बैक टू माई चैनल केडी दावत ब्लॉग। सो बहुत सारे लोग जो है मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं कि भारती आप अपने बच्चों को क्या क्या खिलाते हो, स्पेशली मेरा छोटा सा 8 मंथ्स बेबी है उसको मैं क्या खिलाती हूँ, ये आज आप लोगों को मैं शेयर करने वाली हूँ। सो एक्चुअली 8, 7, 8, 6 मंथ्स के जो भी मतलब बच्चे होते हैं, टोटल होते हैं, उनको डे में 4 या 5 मिल्स देना कंपलसरी होता है क्योंकि वो खाते क्वांटिटी में कम और उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। क्या खिलाती हूँ मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ मेरे इस ब्लॉग में, तो कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है रवा सूजी, इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर रही हूँ हल्का सा, और इसमें आप या तो पानी ऐड कर सकते हो या फिर दूध के साथ भी इसे बना सकते हो। और यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल के बना रही हूँ, नमक या आप जागीर भी ऐड करके बना सकते हो, लेकिन मेरा बच्चा जो है उसको स्वीट से ज़्यादा थोड़ा नमकीन ही पसंद है, तो यहाँ पे मैं उसे सॉल्ट डाल रही हूँ। और यहाँ पे पानी डाल के 10 मिनट के लिए कम से कम स्लो फ्लेम पर इसे पकाना है ढक के। सो ये देखिए ये पक चुका है अच्छे से, अब इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा दूध डाल के ग्राइंड कर लीजिए ताकि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। देखिए रेडी हो चुका है, सो इसका सुबह का जो नाश्ता है वो रेडी हो गया है। देखिए मैं दिव्यांश को खिला रही हूँ और यहाँ पे बारिश बहुत ही हो रहा है, ठंडी बहुत लग रही है, तो बच्चों को हमेशा फुल्ली कवर कर लीजिए और कान ढक के रखिए ताकि थोड़ी सी उनको कोल्ड ना होए। और इसी तरह से आप अलग अलग वेजेस के खिचड़ी बना के भी खिला सकते हो, ज्वार की रोटी दूध में बॉईल करके खिला सकते हो, गेहूं की रोटी को दूध में बॉईल करके सुबह सुबह खिला सकते हो, दलिया खिला सकते हो, बहुत ही बेस्ट है। सो अभी मैं बनाने जा रही हूँ आफ्टरनून का मील, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्वीट पोटैटो, इसको शकरकंद भी बोलते होंगे शायद, तो इसको पील ऑफ करना है और छोटे छोटे कट कर लेनी है पीसेस में और अच्छे से धो के पानी डाल के इसे बॉईल कर लेना है। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, आप ज़रूर इसको खिलाइए अपने बच्चों के लिए। कैरेट भी आप बॉईल करके खिला सकते हो। ये देखिए इसको कितना भी कुछ खाना दो खाता ही नहीं है। सभी सोनू का दूध पीने का टाइम हो गया है, मैं इसको फुल फैट तो मिल्क पिलाती हूँ, थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स करती हूँ क्योंकि डायरेक्ट पिलाने से क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा गैस प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो आप जो है दूध बाहर का अभी से थोड़ा सा आधा डला दीजिए, अदरवाइज वो लोग पियेंगे नहीं, क्योंकि कियांश को मैं अभी कितना भी दूध पिलाने का ट्राई करती हूँ, चॉकलेट मिलाओ, हॉर्लिक्स मिलाओ, कॉम्प्लेक्स कुछ भी दो उसको वो बिल्कुल नहीं पीता है, बट इसको मैंने पहले से आधा डाल दिया था तो ये अच्छे से पीने लगता है। और इसको दूध खिला दूँगी, देन आफ्टर इसका सेकेंड मिल का टाइम हो जाएगा 1 और 1:30 को, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहेगा, आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस देखिए इसने मिल्क फिनिश कर दिया है, सो हमारा स्वीट पोटैटो भी बॉयल हो रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे स्वीट पोटैटो बॉयल हो चुका है, अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा घी, उसमें सूजी में फ्राई कर रही हूँ घी में। आप इसके जगह पे थोड़ा सा राइस भी, आप बॉइल्ड राइस को भी डाल सकते हो स्वीट पोटैटो में, आपकी मर्जी। सो ये स्वीट पोटैटो में ये सूजी फ्राई किया हुआ ऐड करके बॉइल कर रही हूँ दोनों को। तो आप इसे अगर स्वीट बनाना हो तो आप इसमें गुड़ ऐड कर दीजिए, अदरवाइज आप सॉल्ट भी डाल सकते हो, बट मेरे पास गुड़ जो है ख़त्म हो गया था तो मैं शक्कर डाल रही हूँ। सो ये मेरे पक चुका है, देखिए रेडी हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल के ग्राइंड कर लीजिए, अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। सो दिव्यांश रेडी है खाने के लिए दोपहर का लंच। सो गाइस ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है और पानी, और हमेशा सोनू को है ना मैं इसी कटोरी में इसी बाउल में उसको खाना देती हूँ, क्योंकि एक ही बाउल में खाना देने से हमें ये पता चलता है कि आज बच्चे ने कितना खाया है और कितना नहीं खाया है, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा पता चल जाता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बाउल में दोगे तो हमें आइडिया नहीं होता है कि आज इसने ज़्यादा खाया कि कम खाया या फिर खाया ही नहीं ढंग से, तो मैं इसे हमेशा इसी बाउल में देती हूँ, आप भी ये ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से सॉल्ट पेस्ट, तो चलिए इसको खिलाते हैं। सोनू टेस्टी। सो बच्चों को हमेशा वेजिटेबल ज़्यादा खिलाना चाहिए और पालक भी उनके डाइट में ऐड कीजिएगा।
सो बच्चे जितना खाते हैं उतना खिलाना चाहिए, बट कम कम खाए तो भी ठीक है, बट उनको 3-4 times जरूर खिलाना चाहिए। यूनिक लग रहा था ट्राइपॉड, आप डेली के टॉयज उसको दोगे तो वो बोर हो जाएगा, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट करके ही कोई सामान वगैरह आप दे सकते हो, तो उससे ये लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अगर आप इनके लिए स्पेशली कोई टॉयज लाते हो तो आप देखिएगा कि वो लोग उससे खेलेंगे ही नहीं, घर के जो भी चीज़ उनको दिखाई देंगे उसी से खेलेंगे। ओपन योर माउथ, गुड बॉय। सो गाइस, अभी नाइट का टाइम है और सो डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। हमेशा मैं उसके लिए अलग ही बनाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने घी लिया, थोड़ा सा 2 लहसुन लिया और टमाटर लिया। लहसुन आप ऐड कीजिए ताकि थोड़ा फ्लेवर अच्छा लगेगा उन लोगों को खाने में। और यहाँ पे हल्दी डाल के बॉइल्ड पोटैटो मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल पोटैटो भी बारीक कट करके उसे डायरेक्ट डाल के बॉयल कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट ले रही हूँ, अगर आपके पास कोई और वेजेस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे पानी डाल के फिर बॉइल्ड राइस मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने राइस बना लिया था वही राइस मैं ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप राइस इसी में पका सकते हो। सो इसे ढक के मैं सॉफ्टली पकाऊंगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो, 10 मिनट्स लगेंगे स्लो फ्लेम पे। सो देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है, अभी मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा थीक लग रहा हो तो आप थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में उनको खिला दीजिएगा, देखिए तो वो अच्छे से एंजॉय करेंगे। जब कभी आप अपने बच्चों को कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो गाइस, बच्चों को आप अपने अकॉर्डिंग भी बना के खिला सकते हो, बस इतना ध्यान रखिएगा कि उनको लाइट खाना दीजिए और उनको कोई फूड एलर्जी हो ऐसे चीज़ उनको खिलाइए मत, और ऐसा खाना दीजिए जल्दी कि बच्चे जल्दी से डाइजेस्ट कर ले। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।